प्रणाम आशा, प्रणाम बापूसा, आपने हमें बुलाया। आप जानती है हमारे हाथ में क्या है मान भाई? देखने में तो ये संदेशा लग रहा है, पर क्या आप जानती है कहाँ से आया है? कहाँ से आया है बापूसा? आगरा से। आगरा से? क्या लिखा है बुआसा ने? और शहजादे सलीम ठीक तो है ना? और वो बात ये है कि हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि बुआसा अभी अभी तो यहाँ से गई है, और अभी अभी संदेशा भेजा तो कोई ना कोई जरूरी बात तो होगी। अब क्या शहनशाह का संदेशा है? हाँ, तुम्हारी बुआसा और शहनशाह के विवाह की वर्षगांठ है, बड़ा उत्सव हो रहा है। उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहाँ जाना चाहेंगी। हाँ बापूसा, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी सूचना है। हम अभी जाकर तैयारी करते हैं, और हाँ, हम बुआ सा और फूफा सा के लिए ना बहुत ही सुंदर सा उपहार तैयार करेंगे। और सलीम के लिए भी अच्छी सी भेंट तैयार कर लेना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये रही हमारी मंजिल, आइए। अगर ये कहाँ गए हम लोग? आपको सुकून की तलाश थी ना, ये वही जगह है जहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा। घबराइए मत, हमारे साथ चलिए, आइए। घोड़े तो यही है, जरूर वो लोग अंदर गए होंगे। ये तो फिर आ गया। सलाम हुजूर, बड़े दिनों बाद आए हैं, आइए ना। हाँ जोरा बेगम, मगर आज हम एक बड़ी शख्सियत के साथ आए, कुछ धमाकेदार पेश करना। क्यों नहीं, आइए तो सही। आइए। जोरा बेगम, आज एक नया नजराना पेश कीजिए। मुराद, दानियाल, आपके भाईजान ने वलीहद की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, अब हम चाहेंगे कि आप दोनों भी सियासत सीखें। शहजादों की जिम्मेदारियां क्या होती हैं उन्हें निभाएं। देखें अपने भाईजान की तरफ, कितने काबिल सिपाही बने हैं वो। गुस्ताखी माफ अब्बूजान, मगर ये तो होना ही था। ये बात यहाँ पर बैठे सब जानते हैं कि वो मरियम उज़ ज़मानी के बेटे हैं। ये भी सब जानते हैं कि मरियम उज़ ज़मानी कमाल की शमशीर चलाती हैं। क्या आप अपनी अम्मी जान को कम समझ रहे हैं? सलीमा बेगम, जरा बताएं इन बरखुरदार को कि एक बार जब हमें धोखे से कैद कर लिया गया था, और फिर जब हमारे हरम पर हमला बोल दिया गया था, तब कितनी शानदार जंग लड़ी थी आप लोगों ने, और उस पर फतह भी हासिल की थी। अबू जान, आप हमसे मजाक मत करिए, इस बात पर हम चाहें भी तो यकीन नहीं कर सकते। और क्या, हमारी अम्मी जान जंग कर तो सकती हैं, लेकिन सिर्फ शतरंज की भी साथ पर। मुराद, शहंशाह बजा फरमा। हम उस वक्त छोटे थे, लेकिन वो वाकया, वो जंग हमें अच्छे से याद है। बहादुर मुगल बेगमात ने पूरी फौज को हरा दिया था, हमें याद है। सलीम अम्मी जान ने हमें पीठ पर बांधा हुआ था और बड़े अचूक निशाने लगा रही थी, और रुकैया अम्मी जान के हाथ में तीर कमान था, और मरियम उज़्ज़मानी के हाथ में शमशीर। बड़ी ही यादगार जंग थी वो। जी रुकैया बेगम,
उस दिन दुश्मनों ने सबक लिया था कि औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो हम कैसे माने? तुम्हें लगता है कि आप सबके सामने नमूना रखना ही होगा। क्यों ना कल हमारी बेगमत के बीच में शमशीरबाजी का मुकाबला हो जाए, जो अव्वल लाएगी उसे फिर हमसे मुकाबला करना होगा। शहंशाह, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे आपको उकसा रहे हैं और आप इनकी बातें मान रहे हैं? अब वो समय नहीं रहा। हमने कहा था ना, कहाँ इनके नाजुक हाथ तलवार उठा पाएंगे। अच्छा ये बात है, तो हो जाए। हाँ हाँ, मुकाबले से पता चलेगा कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। तो ठीक है, तो कल हो जाए मुकाबला। अम्मी जान, वो जोधा बेगम नहीं थी महल में, मतलब कल मिलेंगी। लाइए फिर चावल हम साफ कर देते। नादिरा बेटा, सच सच बताओ बात क्या हुई है, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मेरी ओर देखो, बताओ मुझे बेटा क्या बात हुई है। अम्मी जान, महल के लोग अच्छे नहीं है। जब हम वहां गए तो ख्वाजा सारा ने हमें बुलाया। तुम उसी गद्दार राशिद खान और जिलबार की बेटी हो ना, यहां तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। मगर अभिशान, अब फिक्र मत कीजिए, जोधा बेगम ऐसी नहीं होंगी। कल हम फिर से वहां जाएंगे और उनसे मदद मांगने की कोशिश करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मगर अभिशान, कहा ना मैंने कि तुम नहीं जाओगी वहां पे। मैं अपनी बेटी को फिर से जलील होते हुए नहीं देख सकती। हम कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे। मगर कैसे अमीजान? घबराओ मत, मेरे पास एक रास्ता है। ये लो, कल ये बालियां सुनार को जाके बेच आना। मगर अमीजान, हम मगर वगर कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करोगी तुम, समझी? जोधा बेगम, या अल्लाह, माफ कीजिए जोधा बेगम, हमारा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं रुकाया बेगम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, हमसे असावधानी हो गई। चलिए मुकाबला पूरा करते हैं। लेकिन आपकी चोट? कोई बात नहीं शहंशाह, युद्ध में तो योद्धाओं का खून बहता ही है। आइए रुकिया बेगम, हम हमारा मुकाबला पूरा करते हैं। ये क्या जोधा बेगम, आप एक हाथ से खेलेंगी? बिल्कुल रुकिया बेगम, आइए। चलिए मानना पड़ेगा मरियम उस जमानी, शमशीरबाजी में आपका कोई जवाब नहीं। हम अपनी शिकस्त कबूल करते हैं। लेकिन अभी एक मुकाबला बाकी है। हमने आपसे इसी कहा, मरियम जमानी के मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। अगर आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल करेंगी तो फिर हम भी एक ही हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तैयार? बिल्कुल नहीं। आप लोग
मां साहिबा को बुलाइए फौरन इसी वक्त। क्या करिए, कोई तरीका है? आज से खून बह जा रहा है आपको और आपको खिड़की पड़ी हुई है। एक मैदान जंग नहीं है जो आप जान की बाजी लगा दें। ये खेल सिर्फ दिलजोई के लिए है, जान पर खतरा लेने के लिए नहीं। और क्या फर्क पड़ जाता अगर ये मुकाबला आप हार जाती है, बताइए हमें। सलीम बेटा, हमारा घाव इतना गहरा भी नहीं है। वो देखना हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कहिए मोहतरमा, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हमें ये बेचना है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? खरे सोने का है वो। हाँ हाँ मोहतरमा, खरे सोने का है, लेकिन कहीं से चोरी करके तो नहीं लाई? आपको हम चोर नजर आ रहे? ये तो हमारी मजबूरी है जो अम्मीजान के जेवर बेचने पड़ रहे। सोने में तांबा मिश्रित है, इसमें 10 सिक्के से ज्यादा नहीं देंगे। बस 10 सिक्के? इतना कम क्यों? देखिए मोहतरमा, 10 सिक्के देंगे, लेना है तो लीजिए वरना चली जाइए। पर और वैसे भी हम जानते हैं आप उस गद्दार राशिद खान की बेटी हैं। अरे हम तो फिर भी आपको तरस खा कर दे रहे हैं। अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो धक्के देकर निकाल देता आपको यहाँ से। ठीक है, आप हमें दे दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। अम्मी जान ने कल रात भी कुछ खाना नहीं खाया, कुछ खाना ले लेते हैं। भाईजान, 4 रोटी दीजिएगा। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। हर खास आम को ये खबर दी जाती है कि शहजादे सलीम के दोस्त कुतुबुद्दीन का इस जुमे को निकाह होना तय हुआ है। अब आप घबराइएगा मत, बस कुछ पलों के लिए जलन होगी। आवाज क्यों नहीं है? हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे चोट हमें नहीं बल्कि आपको लगी है। इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आप? आपको लगी चोट से हमें दर्द होता है चौथा बेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब छोटा सा घाव में भर जाएगा। पर सच कहें तो आज इस घाव की वजह से हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। अब जख्म पाकर भी कोई खुश होता है? क्यों नहीं, यदि माँ का घाव देखकर उसकी देखभाल करने के लिए बेटा दौड़ा चला है तो माँ तो यही चाहेगी ना कि ऐसे घाव उसे बार बार लगते रहे। आपने देखा था ना शहंशाह, सलीम कितने परेशान हो गए थे। इस घाव ने आज इस बात को तो साबित कर दिया कि अब भी सलीम के मन में हमारे लिए प्रेम है, चिंता है। देखा था आपने किस बात ही वो हमें डांट रहे थे। वो बात तो है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारी सोच में मिलती हो, चाहे किसी भी बात को लेकर हमारे बीच बहस हो, नाराजगी हो, लेकिन हमारे बच्चे को हमारी फिक्र तो है। आपको याद है ना जब एक बार सबक सिखाने के लिए हमने डाकू को भेष बनाया था तो किस तरह आपकी हिफाजत करने के लिए उन्होंने शमशीर लेकर हम पर हमला किया था। अब कैसे मारोगे तुम हमें? छोड़ दो अम्मीजान को, छोड़ दो। याद है हमें, सच्चा सुख यही है कि संतान अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, उनके लिए चिंतित रहे। संतान का सबसे बड़ा सुख यही है शहंशाह। कान्हा जी से हमारी बस यही प्रार्थना है कि ये प्रेम सदा बना रहे,
और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा जरा होशियार रहें, हम आपको जख्मी नहीं देख सकते। अब भूल रहे हैं शहंशाह, हम राजवंशी हैं। चाहे कुछ भी हो, आप हमारी बेगम हैं और आपको हमारी बात सुननी होगी, वरना हम फरमान जारी कर देंगे। मजाक कर रहे थे। क्या बात है अमीजान? हकीम साहब यार, क्या बात है हकीम साहब, सब ठीक है ना? इस जख्म की वजह से बुखार बढ़ता गया है, जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर इसी तरह बुखार बढ़ता गया तो दिमाग पर चढ़ जाएगा। बस अब तो अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। हकीम साहब, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? हमने कहा ना, सब कुछ खुदा के हाथ में है। अब्बूजान, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, सब हमारी वजह से हुआ। ना हम यहाँ आने की जिद करते, ना अब्बू की ये हालत होती। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम यहाँ पे तुम्हारी खुशी के लिए आए हैं, ताकि तुम कुतुब से मिल सको। हमारा तो बस अब यही एक मकसद है, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं बेटा। बस तुम्हारी एक बार कुतुब से बात हो जाए, तुम्हारी जिंदगी की खुशी तुम्हें मिल जाए। नहीं अमीशा, बस अब ठीक हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बेटा, खुदा बड़ा कारसाज है, तू एक काम कर, तू गाजी बाबा बड़े सरकार के दर पर जा, वहां तेरी दुआ जरूर कुबूल की जाएगी, तेरे अब्बू को शिफा भी मिलेगी और तुझे तेरे सवालों के जवाब भी। बेटा कहाँ जा रहे हैं? निकाह अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हम किसी से क्या वो वादा मुकम्मल करने जा रहे हैं अमीजान? फरहान ने ख्वाहिश की थी कि कुतुब की शादी से पहले वो दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाएगा, और फरहान तो इस दुनिया में नहीं रहा, और ना ही बेला से उसकी शादी का वादा हम पूरा कर पाए। कम से कम उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाए। ठीक है, जल्दी आइएगा। या मौला, हमारे अब्बू जान को जल्द शफा दे देना। वो हमारी खुशी के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर करम करना मालिक। आज तक हर अच्छे बुरे में, नेकी में बड़े में तुझे नहीं भूले हम, अब तू भी हमें ना भूलना। करम करना परवरदिगार, अब बस तेरा ही सहारा है, अब्बू जान को जल्द से जल्द ठीक कर देना। इब्तिदाई इश्क है ये ना सुकूना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। मौला, हमारे दोस्त को तुमको एक शानदार जिंदगी बख्शना, जिसका यह नया रिश्ता उसकी जिंदगी में खुशियां भरते। इतना करम करना और फरहान की जिंदगी को सुकून देना मौला। इतने सारे मुगल सिपाही यहां किस लिए, और ये फकीरों को जकात किस लिए दी जा रही है? सुनिए, ये इतने सारे इंतजाम क्यों हैं? अरे मोहतरमा, सारे आगरा को पता है कि हमारे वलीहद के दोस्त कुतुब का निकाह है यहाँ।
आखिरी बार उन्हें देख ले। ये क्या कर रही हो नादिरा? तुम नहीं जा सकती। जो खुद तुमसे मिलने नहीं आए उसके लिए इतनी तड़प क्यों? तुम तो फैसला कर चुकी हो कि तुम कुतुब के रास्ते में नहीं आओगी। हम कुतुब के रास्ते में नहीं आए, खुदा खुद उन्हें हमारे रास्ते में लाया है। ये इशारा है खुदा का, नहीं तो वो हमें उसी दरगाह में नहीं लाता जहां कुतुब का निकाह हो रहा है। हमें उनसे मिलना होगा। काजी आफताब अजमेरी, आप दोनों का निकाह पढ़ाने की सादत हासिल करता हूं। कुतुबुद्दीन वल्द मेराजुद्दीन, आपका निकाह आयशा बानो वल्द हयात खान के साथ सिक्का राइजुल वक्त इन दो गवाहों की मौजूदगी में 5,000 रुपए तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आयशा बानो बिन हयात खान, आपका निकाह कुतुबुद्दीन मेराजुद्दीन के साथ 5,000 तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। सुनो, दिलबहार कैसी हैं आप? तुम रो क्यों रही हो? देखो, हम ये तो नहीं जानते कि तुम कौन हो, पर इतना अवश्य समझ सकते हैं कि तुम बहुत पीड़ा में हो, दुखी हो। देखो बेटा, जीवन यदि दिन है तो सुख दुख धूप छाप के बराबर है, ये आते जाते रहते हैं, इससे निराश नहीं होना चाहिए। यही संसार का नियम है और इसलिए सुख में ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी भी उन पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। तुम जिस दर पर आई हो, यहाँ पर कई लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर उनके पास आते हैं, तुम भी प्रार्थना करो और देखना तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि यदि पूरे मन से पूरी सच्चाई से प्रार्थना की जाए तो गाजी पीर कभी निराश नहीं करते हैं। हमें विश्वास है तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, तुम जो भी इस दर से मांगोगी तुम्हें अवश्य मिलेगा। शहजादी सलीम का निकाह हो रहा है। या खुदा, हमारे कुतुब का निकाह नहीं हो रहा। मरियम उज़्ज़मानी ने सच कहा था, हमें जो चाहिए मिल गया। कुतुब, ये क्या कर रहे हैं आप? तहजीब से पेश आओ हमारे सामने लड़की। कुतुब, ये
कैसी बातें कर रहे हैं आपने हमें पहचाना नहीं हम अनारकली और आप हमसे इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहे हैं ए लड़की दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा वली अहद से कैसे पेश आना चाहिए तुम्हें पता नहीं है ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग ये वली अहद नहीं है कुतुब है हमारे दोस्त कुतुब आप सिपाही हो ये लड़की वाकई पागल हो गई है यहाँ मैं कुतुब कहकर पुकार रही है ए लड़की पूरा वलीयत के सामने कैसे पेश आते जानती नहीं हो तुम सिपाहियों ले जाओ इसे कुतुब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना है ना आप शहजादे कैसे हो सकते जानते हमारे बीच में कई बार बात हुई कि हमें शाही लोग पसंद नहीं है उनके रवैये और गुरूर से नफरत है हमें नफरत करने के लायक होते हैं ये लोग इनमें ना जज्बात होते हैं ना ही समझ सल्तनत के वरिया शहजादे सलीम को मगरूर कहने की गुस्ताखी गुस्ताखी नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप सलीम नहीं हो सकते गुस्ताख दिमाग खराब हो गया तुम्हारा खुदा का शुक्र है आप हमें मिल गए हम तो डरे गए हमें लगा हम पिता कर रही हमें भूल गए अरे आप हम बहुत खुश हैं बहुत खुश नहीं शहजादे शहजादे क्या हुआ आप ठीक तो हैं? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं तबाह कर देना चाहते हैं हम सब कुछ हर वो चीज जो हमें उसकी याद दिलाती है किसकी याद कहीं उस लड़की की तो नहीं जो आपको दरगाह में मिली थी क्या नाम था उसका नादिरा नाम मत लो उसका हमारे सामने नहीं सुनना चाहते हम उसका नाम देखिए आप वलियाद हैं मगर अब भी हमारे छोटे भाई हैं उस दिन हम समझ गए थे हमने आपकी आंखों में दर्द और गुस्सा महसूस किया हमें लगा कि आप बहुत परेशान थे इसलिए हम आपसे मिलने आए आपका दर्द बांटने हम दर्द नहीं बांटना चाहते हैं दर्द उस लड़की नादरा को दर्द देना चाहते हैं तबाह कर देना चाहते हैं उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं हर तरीके से बस इतनी सी बात तो हम किस मर्ज की दवा है सलीम आपके बड़े भाई सिंधा है हम उस लड़की को वो दर्द महसूस करते हुए देखना चाहते हैं जिस दर्द से हमें दिया बेशक ऐसा होगा अब बैठिए अब आइए हम उस लड़की की जिंदगी पर बात कर देंगे अब ये लीजिए नौश फरमाइए इससे आपको राहत मिलेगी लीजिए आप फिक्र क्यों करते हैं हम है ना ये पूरा काम हम पर छोड़ दीजिए अगर हम उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक रहे नहीं रहेगी अब फिक्र क्यों करते हैं हम है ना वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर